हाय फ्रेंड्स, आई एम स्वाति। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर दिखाऊंगी। ये सीटेट पेपर 2 है। एक पिछले सालों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर लिया है हमने, उसमें इंग्लिश का पार्ट सॉल्व करेंगे 91 से 120 तक, यानी कि इसमें प्रोज और पोएट्री और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और जो इसके आगे के क्वेश्चंस होते हैं 191 टू 120 में, जैसे कि 91 से मैंने यहाँ पर सिर्फ 105 तक सॉल्व किए हैं इस वीडियो में, और 106 से 120 तक नेक्स्ट वीडियो में, वो इसी के बाद ही अपलोड हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रोज पोएट्री और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्यूशंस हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में आप देख, जैसे कि आपने जब भी अपने सीटेट का फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आपने लैंग्वेज चूज़ की होगी। अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को पार्ट लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ किया है तो ये उन बच्चों के लिए है, और जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड चूज़ किया है उनके लिए अलग लेवल की, अलग टाइप की इंग्लिश होती है, उनके अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए पोर्शन जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ किया इंग्लिश को, ठीक है। तो पहले यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको उनकी स्ट्रेटजीज भी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, 91 क्वेश्चन टू 99 ये पूरे इस पैसेज में से सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब भी हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के से रिलेटेड क्वेश्चन करने होते हैं तो हम कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ को दिमाग में रखते हैं। पहली स्ट्रेटजी है कि जिनको फास्ट रीडिंग करने की आदत होती है, जो बहुत अच्छा और तेज़ पढ़ते हैं, जिनको समझ जल्दी आता है रीडिंग के साथ साथ, वो ये वाली स्ट्रेटजी अपना सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते हुए, कि वो पहले पूरा पैसेज पढ़ लें और पैसेज पढ़ने के साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लें रफली, और या फिर अंडरलाइन कर लें पैसेज में ही। जैसे कि कोई भी पैसेज है जिसमें आपको उसका सब्जेक्ट क्या है, वो किस बारे में आइडिया दे रहा है पैसेज पढ़ने पर, आपको क्या उसमें बात डिस्कस जो की गई है वो लग रही है, वो अंडरलाइन कर लीजिए। मेन फ्रेजल वर्ब्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो अंडरलाइन कर लीजिए। ईडियम्स यूज़ हो रहे हैं तो वो अंडरलाइन कर लीजिए। जो भी न्यू वोकैबुलरी लग रही है वो अंडरलाइन कर लीजिए, पर आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ। फिर पूरा पैसेज पढ़ने के बाद उसके बाद क्वेश्चंस पे आना है और सॉल्व करना है, ठीक है, एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लें, क्वेश्चंस के ऊपर स्टेटमेंट पढ़ लें बिना ऑप्शन पढ़े, फिर आप पैसेज पढ़ें, ठीक है, ढूंढे ऊपर से उन क्वेश्चन से रिलेटेड। उसके बाद थर्ड स्ट्रेटजी ये होती है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लें ऑप्शंस के साथ, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ के उसमें से आंसर मार्क करें, ठीक है। ये कुछ तरीके की स्ट्रेटजीज हैं जिनमें से आपको जो भी सुटेबल लगती है वो यूज़ कीजिए, ठीक है। अब जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना इस वीडियो में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें दिख रहा है बॉर्न आउट ऑफ द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियाज़ आईटी सेक्टर, यहाँ पे इंडियाज़ आईटी सेक्टर यूज़ हो रहा है, ये देखिए, ये है ना, इंडियाज़ आईटी सेक्टर अंडरटेकिंग ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे ग्रोथ की बात की गई है, इंडिया की आउटसोर्सिंग जॉइंट्स की बात की गई है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमी, एक तरीके की इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आईटी पावर्स यूरोज प्रोमिनेंस लार्जली, आईटी कंपनीज, आईटी इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात हो रही है। तो इससे मैंने कुछ नोट्स बना लिए हैं, जैसे कि आप भी लिख लीजिए रफ में। यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की, कि इंडिया की आईटी सेक्टर के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कि वो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करती है अपने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे यूएस की भी बात की गई है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है दिस शिफ्ट इज़ बीइंग ड्राइवन बाय ग्लोबल कंपनी इन विच द यूएस इज़ नो लॉन्गर अनडिस्प्यूटेड इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अमेरिकन एग्जीक्यूटिव की भी बात की गई है, ठीक है, इसलिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ पे है रेवेन्यूज़ इन इंडियाज़ आईटी सेक्टर सर्ज फ्रॉम $4 बिलियन इन 1988। हिस्ट्री भी बताई गई है इंडिया में, इंडिया आईटी सेक्टर की, इसमें कितने रेवेन्यूज़ हुआ करते थे किसी एक साल में। यहाँ पे
रिसेशन का नाम भी बताया गया है कि रिसेशन का नेस्कॉम उसका नाम है उस, ठीक है, उससे क्या प्लान किया आगे जाकर, रिसेशन में किस चीज़ पर कितना असर पड़ा रिसेशन में, इसमें यूएसए की ज़्यादातर बात की गई है, बिजनेस सर्विसेज की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए, आईटी फर्म्स की इमर्जिंग वर्ल्ड की बात की गई है ना। और इस साइड देखिए कि यहाँ पे गोल बताया गया कि इंडियन आईटी फर्म्स का क्या गोल होता है, हुआ करता था पिछले 30 ईयर्स से पास्ट में देखकर, इन सब के बारे में बताया गया है, कॉस्ट कैसी रखी थी, ठीक है। बेसिकली ये मैंने 4 पॉइंट्स नोट किए हैं जिनके बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में, वो है इंडियन इमर्जिंग मार्केट्स, इंडियन आउटसोर्सिंग सेक्टर्स, इंडियन इकॉनमी एंड इंडियन आईटी सेक्टर्स हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं और या लिख लेते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कहा है व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द फ्रेज इंडियाज आईटी सेक्टर इज अंडरटेकिंग सम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इट्स ओन। इसमें पूछा गया है कि ऑथर इस चीज़ से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस फ्रेज से कि इंडियाज आईटी सेक्टर इज़ अंडरटेकिंग सम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इट्स ओन, ठीक है। इंडिया की आईटी सेक्टर जो है वो अंडरटेक कर रहे हैं किसी ग्लोबलाइजेशन को अपने अंडर, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट लगता है। इंडिया हैज़ अब्सर्व्ड अमेरिकाज पोजीशन एज द लीडर इन इट। सेकंड, द इंडियन आईटी सेक्टर इज कॉम्पिटिंग विद अदर इमर्जिंग नेशंस फॉर अमेरिकन बिजनेस। द इंडियन आईटी सेक्टर इज कंसिडरिंग आउटसोर्सिंग टू डेवलपिंग इकॉनमीज। फोर्थ, इंडियन आईटी फर्म्स आर engaging in expanding their presence internationally. अब देखिए, जो है इंडियाज आई टी सेक्टर, ये आपने कहाँ पढ़ा था, इज अंडरटेकिंग सम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इट्स ओन, सबसे पहले ऊपर सेकेंड लाइन पे आते हैं, स्टार्टिंग में देखिए, दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग में देखिए, इंडियाज आई टी सेक्टर इज अंडरटेकिंग सम ग्लोबलाइजेशन ऑन इट्स ओन। अब इसको आपने अगर अंडरलाइन किया होगा तो आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तभी मैंने कहा कि नोट्स बना के अंडरलाइन कीजिएगा। तो पढ़ते हैं पहली लाइन को, इंडियाज आईटी सेक्टर इज़ अंडरटेकिंग सम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इट्स ओन इन सर्च ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। द कंट्रीज आउटसोर्सिंग जाइंट्स आर एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग बियॉन्ड देयर यूजुअल स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स इन टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो इस पूरे सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि वो क्यों अपना रहा है, ग्लोबलाइजेशन को अंडरटेक क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको सर्च करना है, कुछ न्यू सोर्सेज अपनाने हैं अपनी ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ करने के लिए, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, आउटसोर्सिंग जाइंट्स को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, डेवलपिंग वर्ल्ड में उसको अपना देश आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक्शंस लेने हैं। तो अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि इस वाले फ्रेज से वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इन चार ऑप्शन में से। पहला, इंडिया, नहीं, पहला तो नहीं हो रहा, हमने नहीं देखा यहाँ पे कोई इसकी अमेरिका से ले उस वाले लाइन में डिस्कशन। सेकंड है, इंडियन आईटी सेक्टर इज़ कॉम्पिटिंग विद अदर इमर्जिंग नेशन फॉर अमेरिकन बिजनेस, नहीं, ऊपर वाली जितनी भी लाइन्स अभी हमने पढ़ी हैं उसमें अमेरिका की कोई डिस्कशन नहीं है उस वाली पर्टिकुलर लाइन्स में। थर्ड ऑप्शन, इंडियन आईटी सेक्टर इज़ कंसिडरिंग आउटसोर्सिंग टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। इंडियन आईटी सेक्टर इज़ कंसिडरिंग आउटसोर्सिंग टू डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये भी हमें नहीं लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन, इंडियन आईटी फर्म्स आर एंगेजिंग इन एक्सपेंडिंग देयर प्रेजेंस इंटरनेशनल, हाँ ये देखिए, जब उसमें लिखा था कि वो अपनी रैपिड ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक्सपेंड करना चाहती है चीज़ों को, आउटसोर्सिंग एजेंट्स एक्सपेंड करना चाहती है, इंटरनेशनली अपना ग्रोथ बढ़ाना चाहती है कंट्री की इकोनॉमी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन, ये वाला। अब देखिए, सेकंड पे आते हैं 92 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंडियन आईटी अट्रैक्टिव टू द यूएस। जो फैक्टर्स दिए गए हैं नीचे, इसमें से जो
इंडिया ने ऑफ़र की थी, इंडियन आईटी सर्विसेज ने ऑफ़र की थी यूएस को, उनमें से कौन सी अट्रैक्टिव लगी, ज़्यादा पसंद आई यूएस को? अब इसमें से ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन आईटी कंपनीज हैड एक्सपर्टाइज इन रेयर कोर कंपनीज, याद कीजिए हमने रेयर कोर कंपनीज भी वर्ड देखा था कहीं। द यूएस, सेकेंड ऑप्शन, द यूएस लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पर्सनल टू हैंडल मास कॉल सेंटर ऑपरेशन, इनेबिलिटी ऑफ अदर इक्वली कॉस्ट एफिशिएंट डेवलपिंग कंट्रीज टू कंप्लाई विद देयर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। ये एबीसी करके तीन ऑप्शंस है। अब टोटल ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट नन, सेकंड ओनली ए, थर्ड ओनली ए एंड बी, फोर्थ ओनली सी। अब आपने ये ऑप्शंस पढ़ लिए हैं, अब देखिए ऊपर आपको ये कहाँ मिलेगा कि जो इंडियन आईटी सर्विसेज प्रोवाइड ऑफर करती है यूएस को, ये देखिए आपको ये मिल जाएगा। पहले आप देखिए ऊपर से नीचे तक, अपनी चारों तरफ पैसेज में नज़र घुमाइए फर्स्ट पैराग्राफ से। हाँ ये देखिए, मिला कुछ, देखा आपको इस पैराग्राफ में? ये देखिए, हाँ तो आप जब आपने अंडरलाइन किया होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि नॉन केयर ऑपरेशंस, ठीक है, आईटी इंडियन, इंडियाज आईटी प्रोज ये रहा, रोज टू प्रोमिनेंस लार्जली ऑन द डिसीजंस मेड बाय अमेरिकन एग्जीक्यूटिव हु वर क्विक टू कैपिटलाइज ऑन द कॉस्ट सेविंग टू बी गेन बाय आउटसोर्सिंग नॉन केयर ऑपरेशंस। इसका मतलब है सच ए सिस्टम्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कॉल सेंटर्स, इसका मतलब है यूएस को, मतलब अमेरिका को सबसे ज़्यादा इंडिया की ये सर्विस पसंद आई थी, आउटसोर्सिंग नॉन केयर, नॉन कोर ऑपरेशंस की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 92 का आंसर नंबर, मतलब ये पूरा इसमें से करेक्ट बैठ रहा है, आईटी कंपनीज हैड एक्सपर्टाइज इन रेयर कोर ऑपरेशंस। तो इसका आंसर क्या हुआ इसमें से, ऑप्शन नंबर 2 ओनली ए, ठीक है। अब आते हैं 93 पर, वॉट हैज़ कॉज इंडियन आई टी फर्म्स टू चेंज द वे दे कंडक्ट बिजनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडियन आई टी फर्म्स को ऐसा किस कारण अपना बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका चेंज करना पड़ा था डेवलपिंग कंट्रीज में, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया आईटी फर्म्स जो जिस तरीके से पहले किया करती थी अपने बिजनेस को कंडक्ट, उससे उसी तरीके से ना करके चेंज करके करने लगी, क्या इसके पीछे कारण था? चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ वर्क बीइंग अवॉर्डेड कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय इंडियन फर्म्स, सेकंड द डिमांड्स ऑफ दीज मार्केट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडियाज़ ट्रेडिशनल कस्टमर, थर्ड wages demanded by local workers are far higher than what they pay their Indian employees, fourth stringent laws which are not conducive to outsourcing, ठीक है। अब हम इसको पूरे पैराग्राफ में ढूंढेंगे फिर से कि क्यों चेंज किया था उसने अपना तरीका। अब आप यहाँ से देख लीजिए, शुरू से फिर से देखेंगे, पढ़िए धीरे धीरे आप भी, मैं भी पढ़ रही हूँ। शिफ्ट इज बीइंग ड्राइवन बाय ग्लोबल इकॉनमी इन विच यूएस इज नो लॉन्गर अनडिस्प्यूटेड इंजन ऑफ द ग्रोथ, हाँ देखिए आपको इसमें मिला होगा थोड़ा रीज़न क्यों चेंज किया था, क्योंकि उसके रेवेन्यूज इंडियाज़ आईटी सेक्टर सर्ज्ड फ्रॉम $4 billion टू इन 1998 टू $59 billion लास्ट फिस्कल। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, इससे समझ आएगा आपको कि उसकी जो
रिसेशन की वजह से उसमें डाउनफॉल आ रहा था करंट फिस्कल ईयर में, ठीक है, इस वजह से उसका अपना वे चेंज करना पड़ा था। यहाँ पे देखिए गोल क्या था इंडियन आईटी फर्म्स का, पिछले 30 सालों से ये हैज़ टू वू क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफर एज मच एज एक्चुअल वर्क एज पॉसिबल बैक होम, वेर लो वेजेस फॉर हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर्स अलाउड देम टू ऑफर सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग, ठीक है। 93 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, द डिमांड्स ऑफ दीज मार्केट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल कस्टमर्स। हाँ, तो इंडिया इन द डिमांड्स ऑफ दीज मार्केट्स, इंडियन आईटी फर्म्स की जो डिमांड्स थी वो डिफरेंट थी फ्रॉम दोज ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल कस्टमर्स। ओके, हाँ, जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में थी ना, वो उनकी डिमांड्स अलग थी, उनकी डिमांड्स अलग थी, तभी इसी वजह से उसने अपना वे चेंज किया था बिजनेस कंडक्ट करने का, ठीक है। 94 क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट 93 का आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में पढ़कर कि उसको जिस तरीके से वो बिज़नेस कंडक्ट कर रही थी दूसरी कंट्रीज़ में, वो उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं दे रहा था इस वजह से, और डिमांड जो दूसरी डेवलपिंग कंट्री थी वो भी डिमांड कर रही थी कि दूसरी तरीके से वो बिज़नेस कंडक्ट करें, इस वजह से उसने चेंज किया। अब क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट डू द नैसकॉम स्टेटिस्टिक्स अबाउट इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स इंडिकेट। नैसकॉम क्या था, एक रिसेशन का नाम पीरियड था, एक रिसेशन, स्टेटिस्टिक्स अबाउट इंडियन आईटी एक्सपोर्ट इंडिकेट, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन 1, ड्रॉप इन डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज बाय यूरोप एंड यूएस, इंडियन आईटी फर्म्स चार्ज एक्सऑर्बिटेंटली फॉर देयर सर्विसेज, इंडिया हैज़ लॉस्ट आउट टू अदर इमर्जिंग आईटी फर्म्स, द इंडियन आईटी सेक्टर शुड अंडरगो रीस्ट्रक्चरिंग। देखिए नैसकॉम में पढ़ते हैं क्या है, नैसकॉम दिखा आपको, ये रहा, इससे इसके आसपास की लाइंस पढ़िए, हाँ देखिए पढ़ लीजिए, ड्रॉप हो रही थी इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ आईटी एंड अदर बिजनेस सर्विसेज टू यूएस एंड यूरोप विल ड्रॉप एट मोस्ट 7% करंट फिस्कल ईयर्स, ठीक है। तो इसका 94 का क्या है ऑप्शन, देखिए फर्स्ट, ड्रॉप इन डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज बाय यूएस एंड यूरोप, तो आंसर क्या हुआ इसका 94 का, आंसर हुआ ऑप्शन 1, ठीक है। अब 95, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिकल्टी दैट इंडियन आईटी फर्म्स विल फेस इन इमर्जिंग मार्केट्स, इंडियन आईटी फर्म्स ने इनमें से कौन सी डिफ़िकल्टी फेस नहीं की है इमर्जिंग मार्केट्स में, ठीक है। अब देखिए, माइंडसेट रेजिस्टेंस टू आउटसोर्सिंग, नहीं ये वाली तो की है कि उनका माइंडसेट चेंज हो रहा था बार बार आउटसोर्सिंग को लेकर, लोकल आईटी सर्विसेज आर इक्वली कॉस्ट इफेक्टिव, लोकल आईटी सर्विसेज जो थी वो कॉस्ट इफेक्टिव थी इक्वली, द यूएस इज़ देयर प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, यूएस उसका प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन था, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ लोकल टैलेंट, कि लोकल टैलेंट की ट्रेनिंग के दौरान जो झगड़े होते थे, जो भी डिस्प्यूट्स होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, उसकी वजह से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इंडियन आईटी कंपनी ने इमर्जिंग मार्केट्स में क्या डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, यहाँ से पढ़िए, फैक्टर्स अदर देन द क्राइसिस आर ड्राइविंग इंडियाज आईटी फर्म्स इनटू इमर्जिंग वर्ल्ड, इमर्जिंग मार्केट्स आर ग्रोइंग फास्ट, यहाँ से पढ़िए ये वाली लाइन, ठीक है, ग्रोइंग फास्टर टैपिंग दीज मोर इकोनॉमीज डायनेमिक इकोनॉमीज,
वॉन्ट बी ईजी, पूरा पैराग्राफ पढ़िए ये वाला। हाँ हाईली लो वेज हाईली स्किल्ड टू अडेप्ट इंडियन कंपनीज विच आर रिलेटिवली अननोन इन दीज इमर्जिंग नेशंस आर एस्टेब्लिशिंग मेजर लोकल ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग थाउजेंड्स ऑफ लोकल। ठीक है, आईटी ऑल्सो हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड टू वू बिजनेस फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट कंपनीज। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से पता चल सकता है कि 95 में क्या डिफ़िकल्टीज उसको फेस करनी पड़ी सबसे ज़्यादा, वो थी थर्ड ऑप्शन, यूएस इज देयर प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। आप देख सकते हैं उसमें ज़्यादातर यूएस की ही बात की गई है, इंडिया से, इंडिया और यूएस की बात की गई है, तो यूएस को उसको प्रेफर्ड हुआ है उस चीज़ के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, अब आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद पढ़िएगा पूरा पैराग्राफ और उसमें नोट्स बनाइएगा, जो भी आपको सब्जेक्ट लग रहा है, पैसेज का टोन लग रही है, आइडिया दे रहा है, मेन पॉइंट, वो सब, उससे आपको सारे आंसर्स ईजिली मिल जाएंगे। 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है। फर्स्ट, ए, द रिसेशन सेवरली इम्पैक्टेड द यूएस बट नॉट इंडिया। रिसेशन ने यूएस को ज़्यादा इफेक्ट किया है, इंडिया को नहीं। इंडिया इज़ ट्राइंग टू डिपेंड लेस ऑन यूएस एज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ। नहीं, इंडिया तो डिपेंड थी यूएस पे ज़्यादा, इसमें कहा है कि लेस डिपेंड थी, पर नहीं, वो डिपेंड थी, उसका प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग सोर्स था वो। ठीक है, सी, द फ्यूचर सक्सेस ऑफ इंडियन आईटी फर्म्स डिपेंड ऑन इमर्जिंग मार्केट्स। इंडियन आईटी फर्म्स का फ्यूचर सक्सेस किस पर डिपेंड थी, इमर्जिंग मार्केट्स पे, तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रू कौन सा नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। इसका आंसर है 96 का बी, इंडिया डिपेंड थी यूएस के आउटसोर्सिंग पे, उस पर वो, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसी में उसने बिजनेस कंडक्ट करने का तरीका चेंज किया था, क्योंकि उसे प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, तो वो डिपेंड थी। तो इसमें ए और सी, सॉरी, इसमें ऑप्शन ये है, ओनली वी एंड सी, ओनली ए, ओनली बी, या ऑल ए बी सी। तो इसका आंसर है ओनली ए। इसमें नॉट ट्रू कौन सा है, ओनली ए, द रिसेशन सेवियरली इम्पेक्टेड द यूएस बट नॉट इंडिया। ये देखो, ये इंडिया डिपेंड थी उस पे, पर इतना डिपेंड नहीं थी, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सी, फ्यूचर सक्सेस डिपेंड थी इंडिया की इमर्जिंग मार्केट्स पे, हाँ। और ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, द रिसेशन सेवियरली इम्पेक्टेड द यूएस बट नॉट इंडिया, पर इंडिया को रिसेशन ने इम्पेक्ट किया था, तो इसमें कहा है कि सेवियरली इसने यूएस को किया था, नहीं, इंडिया को भी किया था। तो ये इसकी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो 96 का आंसर क्या हो गया, ओनली ए इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, नाउ 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड चेजिंग आर यूज एज यूज इन द पैसेज। पैसेज में जो वर्ड चेजिंग यूज हुआ है उसका क्या मतलब है इनमें से सिमिलर, अब इसमें देख लेते हैं। आप पैसेज में पढ़िएगा, आपने कहीं चेजिंग वर्ड देखा है तो उसको अंडरलाइन कीजिएगा, किया होगा आप, जब आप इसको थॉरली पढ़ेंगे तो आपको चेजिंग वर्ड मिलेगा, ठीक है। देखिए, हाँ, पैसेज आपको पढ़ा होगा, उससे कुछ आइडिया मिला होगा कि चेजिंग वर्ड का सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है पैसेज में से। चेजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मतलब होता है इसका किसी चीज़ को अचीव करने के लिए उसे फॉलो करना,
ठीक है, किसी चीज़ को परस्यू करना, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, रनिंग, रनिंग तो इसका कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं बनता। हैरेसिंग, हैरेसिंग का मतलब होता है तंग करना, छेड़ना, परेशान करना। पेस्टरिंग, पेस्टरिंग का मतलब भी तंग करना होता है। और परस्यूइंग, परस्यूइंग का मतलब होता है फॉलो करना, उस चीज़ को पीछा करना, मतलब परस्यूइंग, चेजिंग, इन ये दोनों सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। नाउ इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन 197 का परस्यूइंग, द सिमिलर मीनिंग ऑफ चेजिंग इज परस्यूइंग। नाउ 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ वर्ड इन अनडिस्प्यूटेड एज यूज इन द पैसेज। जो पैसेज में अनडिस्प्यूटेड वर्ड यूज़ हुआ है उसका अपोजिट मीनिंग बताना है इसमें, इन चारों में से। चैलेंजिंग, डाउटफुल, डिप्राइव्ड, एम्फेसाइज। अब देखिए पैसेज में कहाँ यूज़ हुआ है अनडिस्प्यूटेड, इस पैराग्राफ में देखिए, ये रहा अनडिस्प्यूटेड इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। Shift is driven by global economy in which the US is no longer undisputed engine of growth. Undisputed engine of growth. Undisputed का मतलब समझते हैं आप कि dispute का मतलब होता है लड़ाई, झगड़े, conflicts, ठीक है, argument. तो इसका opposite क्या हुआ, undisputed क्या हुआ, disargument, ठीक है। तो option है challenging, challenging तो इसका कहीं से भी तो अनडिस्प्यूटेड का हमें अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, यानी कि जो कि जहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता हो। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा है। डाउटफुल, जहाँ पर डाउटफुल मतलब जहाँ पर डाउट रहे, शक आए, शक की वजह से झगड़े हों। Deprived, deprived का मतलब होता है not having the things which are necessary for pleasant life, जो हमें pleasant life जीने के लिए ज़रूरी चीज़ होती हैं वो उनका ना होना। Emphasized, emphasized मतलब focused, importance देना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा most appropriate opposite meaning है undisputed का doubtful, क्योंकि doubtful मतलब होता है जहाँ पर हम शक, मतलब जो भी argument करने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे उससे रिलेट करता है ये। और अनडिस्प्यूटेड होता है मतलब डिसआर्ग्यूमेंट्स, उसका अपोजिट ढूंढना था जो कि डाउटफुल हुआ। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 2, डाउटफुल। नाउ 99, अदर देन द क्राइसिस व्हाट इज ड्राइवन आईटी कंपनीज टू सीक अदर ऑप्शंस। क्राइसिस से हटकर व्हाट इज ड्राइवन आईटी कंपनीज टू सीक अदर ऑप्शन, इनमें से अदर किसी और ऑप्शंस के लिए आईटी कंपनीज कौन सा ऑप्शन देखना चाहेंगी, चूज़ करना चाहेंगी। तो वो ऑप्शंस पढ़ते हैं, द यूएस मेक्स मोर देन 60% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इमर्जिंग मार्केट्स, नॉन ऑफ द अबव, बोथ 1 एंड 2। आप पूरी पैसेज को पढ़ के बता सकते हैं इसका इमर्जिंग मार्केट्स होगा, क्योंकि उसी से उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। इसका सही ऑप्शन हुआ इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है। अब आएंगे हम पोएट्री पे। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, क्वेश्चन नंबर्स 100 to 105, बाय सिलेक्टिंग करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब जैसे कि हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करा था, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें तो टाइम कंज्यूम होता ही है थोड़ा सा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ठीक से आएगा। अब हम पोएट्री देखते हैं, इसमें हम पहले पढ़ते हैं, इसमें भी हमें जो हमें लगता है हम पैसेज से आइडिया लेते हैं ना, वैसे हमें इसमें पोएट्री से आइडिया लेना है कि क्या कहना चाह रहा है पोएट। पढ़ते हैं, लेट्स रीड। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अब जैसे कि इसमें आया ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसमें वो ओ द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सी, अब सी से पता चल रहा है आपको वो कि सी के आसपास के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओ एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी, इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि काश मैं मेरी ज़ुबान बोल पाए जो मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं। ये सब वो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं कि ऑथर कुछ कहना चाह रहा है सी के बारे में, जो भी वहाँ का दृश्य है, कोल ग्रे स्टोन्स हैं सी के आसपास, वो उन चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाह रहा है बट कर नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ठीक है।
ओ वेल फॉर द फिशर्स बॉय फिशरमैन्स बॉय बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले. वो खेल वहाँ पे फिशरमैन्स बॉय उसको दिखता है अपनी बहन के साथ खेलता हुआ मतलब प्ले करता हुआ. ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे. उसकी बोट पे एक सेलर लैड है वो गाना गाता हुआ नज़र आ रहा है उसको. द स्टेटली एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन. शिप एक नाव है सी में वो जा रही है चलती जा रही है स्ट्रेटली. द टू देयर हेवन एंड द हिल बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस एट द स्टिल. ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रेक ऑफ द क्रेग्स ओ सी. आपको यहाँ तक पता चल चुका है कि सी के बारे में के आसपास के एरिए सी की इर्द गिर्द ही घूमा है पोएट. बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज दैट विल नेवर कम बैक टू मी. ठीक है, अब आपने पूरी पोएम पढ़ी, क्या आइडिया हुआ आपको कि पूरी सी के इर्द गिर्द ही पिक्चराइज किया है इस पोएम को. ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं. व्हाट इज ब्रेकिंग इज ब्रेक 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 इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक. जो ऑथर ने यूज़ किया यहाँ पे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसमें वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ब्रेकिंग क्या हो रहा है, इसमें क्या ब्रेक हो रहा है. ऑप्शंस द सी पोएट्स हर्ट द विंड द सनशाइन थ्रू द क्लाउड्स. इसमें पता चल गया होगा आपको ब्रेक 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 ओ द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. सी के बारे में बात हो रही है, सी को वो बता रहा है, सी को डिस्क्राइब किया है उन्होंने ऐसे. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी. ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100 इज सी. ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 101 पर. द मूड ऑफ द स्पीकर इन द ब्रेक 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 इज फर्स्ट कॉन्टेम्पलेटिव एंड होपफुल. कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है कि गहराई से सीरियस थॉट, सीरियसली सोचना बोलना कुछ थॉट. होपफुल, ठीक है, होपफुल तो आपको पता ही है, होप रखना. सेकेंड लाइट हार्टेड, हल्का फील करना बहुत दिल से. थर्ड सोम्बर एंड ग्रीव. सोम्बर एंड ग्रीव का मतलब है कि सैड फीलिंग, सैड फील करना डियर. और फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन है एनर्जाइज्ड. एनर्जाइज्ड मतलब एक्टिव फील करना, एनर्जेटिक. तो इसमें इस पूरी पोएम में पोएट क्या फील कर रहा है, स्पीकर क्या फील कर रहा है, तो वो आप खुद देख रहे होंगे कि वो अपने वर्ड्स को अटर नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है अपने थॉट्स को जो उसके माइंड में आ रहे हैं. वो सैड फीलिंग से, सैड वे में ये सब चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सोम्बर एंड ग्रीव, जिसका मतलब है सैड फीलिंग. ठीक है, क्वेश्चन 101 का आंसर थर्ड ऑप्शन थर्ड. अब आएंगे हम 102. द स्पीकर इन ब्रेक 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 ऑब्जर्व्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट अ चिल्ड्रन प्लेइंग अ सेलर बॉय सिंगिंग अ लेडी इन अ टावर शिप्स कमिंग इन. आप देख सकते हैं पूरी पोएम में जब उसने स्पीकर ने डिस्क्राइब किया है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उसके उसमें वो क्या क्या ऑब्जर्व कर रहा है, इन चारों ऑप्शन में से क्या ऑब्जर्व नहीं कर रहा, एक्सेप्ट किस चीज़ को छोड़कर, उसने सब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं. अब देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि इसमें उसने बच्चों को खेलते हुए भी देखा है अब. ठीक है, और एक सेलर बॉय फिशरमैन्स बॉय है उसको भी देखा है, सेलर बॉय को गाते हुए भी देखा है, शिप्स जो आ रही हैं जा रही हैं उनको भी. ठीक है, शिप्स और बचा क्या, लेडी इन अ टावर, ये तो उस कहीं जिक्र ही नहीं किया है उसने. ठीक है, उन्होंने तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कि जिसका जिक्र नहीं हुआ है यहाँ पे, ऑब्जर्व नहीं हुआ है ऑथर के थ्रू, वो है ऑप्शन नंबर 3. नाउ 103 क्वेश्चन. द स्पीकर ऑफ ब्रेक 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 कैन नॉट फर्स्ट फील सेकेंड सी थ्री स्पीक फोर्थ हियर. इनमें से वो क्या नहीं कर पा रहा है स्पीकर, ब्रेक 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 पोएम का स्पीकर, इनमें से फील, फील तो वो कर पा रहे हैं, देख भी वो पा रहे हैं, स्पीक स्पीक नहीं कर पाए हैं, अटर अपने थॉट्स को अपनी ज़ुबान पे नहीं ला पा रहे हैं. तो इसका क्या आंसर हुआ, स्पीक.
कि ऑथर कैन नॉट स्पीक हिज वर्ड्स। 103 का ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं 104। इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट यूजेस, फर्स्ट टू लाइन्स में क्या क्या यूज़ हो इन चारों फिगर ऑफ स्पीच में से कौन सा यूज़ हुआ है। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, अलंकार जिसे कहते हैं हम हिंदी में, सिमिली, अपोस्ट्रॉफी, असोनेंस, मेटाफोर। पहले हम इनकी डेफिनेशंस और मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। सिमिली कौन सा अलंकार होता है या फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो होता है जिसमें हम इन विच वी कंपेयर थिंग्स एंड ह्यूमंस, जिसमें हम लोगों को और चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, उनके जैसा बताते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ सिमिली में, शी इज़ लाइक एन एंजल, जैसे कि इसमें एक लड़की है शी, उसको एंजल से कंपेयर किया, इज़ लाइक एन एंजल, उसके जैसा बताया तो कंपेयर किया है। अपोस्ट्रॉफी वो होता है जिसमें अपोस्ट्रॉफी आप लिख लीजिएगा, अपोस्ट्रॉफी वो होता है जिसमें ये वाले साइंस यू पंक्चुएशन यूज़ होते हैं, पंक्चुएशन मार्क ऐसे वाले, कॉमा वाले ऊपर नीचे, ठीक है, और एक ऐसे वाला यूज़ होता है, सो कहते हैं हम अपोस्ट्रॉफी। एसोनेंस वो होता है जिसमें हम सेम वोवल साउंड जो उसको रिपीट करते हैं, एक ही जैसी वोवल साउंड को हम रिपीट करते हैं, लिख लीजिए आप, एसोनेंस इज मीन्स रिपीटिशन ऑफ सेम वोवल साउंड, ठीक है। नाउ फोर्थ मेटाफर, मेटाफर वो होते हैं जिस मेटाफर और सिमिली ये थोड़े सेम हैं बट डिफरेंस इनमें है, जानिए क्या है। मेटाफर वो होता है जिसमें हम चीज़ों को कंपेयर भी करते हैं और लोगों को भी कंपेयर करते हैं बट उनको उनके जैसा नहीं बताते, उनको वही बताते हैं। जैसे कि हम मैंने सिमिली में क्या बताया था, शी इज़ लाइक एन एंजल, उसको उसके जैसा बताया गया है लड़की को। पर अगर हम मेटाफर का एग्जांपल लेते हैं तो ये होगा शी इज़ एन एंजल, उसको उसके जैसा ना बताकर वही बताया गया है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें पूछा है कि ऑथर ने पहली दो लाइंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है इन चारों में से। पहली दो लाइंस पढ़ते हैं पोएम की, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, देखिए आप नोटिस कीजिए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ दे ओ द कोल्ड ग्रे, दे कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, पहली दो लाइंस तो यही हुई। अब आप इसमें देख सकते हैं ओ सी के बाद क्या यूज़ हुआ है, पंक्चुएशन मार्क ये वाला, बताया था ना मैंने, किस में आता है, अपोस्ट्रॉफी में। तो इसका सही आंसर कौन सा माना जाएगा, 104 का ऑप्शन नंबर 2, अपोस्ट्रॉफी, जिसमें ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ हुआ है, ठीक है। अब 105, द फ्रेज हेवन अंडर द हिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हेवन अंडर द हिल ये एक फ्रेज है, इसमें इन चारों में से क्या यूज़ हुआ है फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली तो मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें हम कंपेयर करते हैं किसी को किसी के जैसा बताते हैं, मेटाफर जिसमें कंपेयर करते हैं लेकिन उसके जैसा ना बताकर वही चीज़ बताते हैं। थर्ड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी एक सेंटेंस में या फ्रेज में एक ही अल्फ़ाबेट से बहुत सारे वर्ड शुरू हो रहे हैं सीरीज़ में या एक के बाद एक छोड़कर भी, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन इस यहाँ पर थर्ड आंसर क्या माना, सॉरी सही आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन थर्ड एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जिसमें हम बहुत बड़ा चढ़ा कर चीज़ें बता देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन उसे ऐसा कर देते हैं जो वो असल में नहीं अचीव होता। एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन जिसमें मैंने बताया था आपको कि एक ही अल्फ़ाबेट से या वर्ड से शुरू हो रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स एक ही सेंटेंस या फ्रेज में। अब यहाँ पे देखिए हेवन अंडर द हिल, हेवन अंडर द हिल इसमें एच से ही हेवन है, एच से ही हिल है, तो ये कौन सा वो हुआ एलिट्रेशन, सही आंसर थर्ड ऑप्शन, ओके। तो हमारी वीडियो यहाँ पे पूरी होती है, हमने जो 106 से 120 तक सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस इंग्लिश के वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यहाँ तक अभी हमने पोएट्री और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किए, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है, ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी, थैंक यू सो मच।